Hi guys, this is Dinesh from Kanpur. Today we are going to discuss about the reproductive system. So आज हम इस वीडियो में reproductive system के बारे में जानेंगे. जैसे कि आप जानते हैं कि मैं reproductive system के ऊपर वीडियो शूट कर चुका हूँ. इसमें दो स्टेज होती हैं, मेल reproductive system, फीमेल reproductive system. ठीक है, तो दोनों का मैंने वीडियो बनाकर कंबाइंड वीडियो बनाकर दोनों, मतलब दो तीन वीडियो मैंने शूट करके यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है. तो आप वहाँ पर जाके मेरे इस वीडियो को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं. क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ लेक्चर दूंगा, और जब मैं इस वीडियो में लेक्चर दूंगा तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर आपको चीज़ें रिवाइज नहीं है तो बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला. इस वीडियो को सिर्फ वही बंदा या बंदी समझ सकती है जिसको कंसेप्ट क्लियर है. ठीक है, तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो सिर्फ इस लेक्चर को सुनिए. आपकी चीज़ें जो कंफ्यूजिंग है, जहाँ पर भी आपको दिक्कत है, वो सारी की सारी कंफ्यूजिंग मैं दूर कर दूंगा. ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को समझ में आए. सो ये लेक्चर इसलिए मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ शूट करके, कि आपको कभी भी अगर सिर्फ और सिर्फ आपके पास टाइम कम है और आपको रिवीजन ज़्यादा करना, ठीक है, तो सिर्फ आप मैटर पे फोकस मत कीजिए. मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, उसको फोकस मत कीजिए. आप सिर्फ मेरी बातों को फोकस कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ. ठीक है, अगर आप इस चीज़ को सेल्फ इमेजिनेशन करेंगे या अपने थॉट, इन सब मेरी सारी बातों को एक थॉट बनाकर अपने ब्रेन में प्रोग्राम तरीके से फिट कर लेंगे, प्रोग्रामेटली तरीके से फिट कर लेंगे, अगर ये चीज़ें आपके ब्रेन में सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, तो आपको ज़िंदगी भर, मतलब कि आपको लाइफ टाइम तक कभी भी इस मैटर में प्रॉब्लम नहीं होगी. मेरे कहने का मतलब कि आपको कभी भी भूलने की समस्या नहीं होगी. जैसे कि मैं एक अपने वीडियो में अक्सर कहता रहता हूँ कि प्लीज़ बायोलॉजी, द किंग ऑफ बायोलॉजी माय यूट्यूब चैनल दिनेश आर जानू जी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर. ठीक है, तो ऐसे बोलता हूँ, और ऐसे बोलता हूँ कि एक बार पढ़कर तो देखो, भूलना भूल जाओगे. तो अपने स्टाइल में पढ़ा रहा हूँ इसलिए बोलता हूँ. ठीक है, लेकिन मैं इस वीडियो को शूट करने का सीधा सीधा सा मतलब क्या है, कि जो चीज़ें आपको रिवाइज हैं, सिर्फ प्रॉब्लम है, कहीं कंफ्यूजिंग है, उस चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा. तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो 70% बच्चा है, 70% स्टूडेंट है, उसके वीडियो पल्ले नहीं पड़ेगा. 30% जो बच्चा है तो उसके वीडियो पल्ले पड़ेगा, क्योंकि 30% ही लोग अगर पढ़े होंगे तब पल्ले पड़ेगा. ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं वीडियो में लेक्चर दूंगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो में अंदर जाते हैं, इस वीडियो के बाहर और अंदर जाते हैं. स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस दुनिया में दो तरीके का होता है. मैंने क्या बोला, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर टू टाइप. फर्स्ट इज नोन एज द एसेक्सुअल एंड सेकेंड इज द सेक्सुअल. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज वन टाइप. मैंने क्या बोला, रिप्रोडक्शन सिर्फ एक टाइप है, इसकी दो ब्रांचेस हैं. मैंने क्या बोला, रिप्रोडक्शन आर टू टाइप. फर्स्ट इज नोन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड इज नोन एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में अंतर है. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, बाद में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर चलते हैं. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अपोजिट करेक्टर की आवश्यकता होती है. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अपोजिट करेक्टर की आवश्यकता होती है. फर्स्ट इज नोन एज द मेल, सेकेंड इज नोन एज द फीमेल. ठीक है, अगर प्लांट के केस में बात करें तो भी यही है, ह्यूमन के केस में बात करें तो भी यही है. आप दोनों तरीके समझिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन आर टू टाइप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू अपोजिट कैरेक्टर की आवश्यकता होती है. दोनों जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तब जाके जो भी इस दुनिया में आता है, जो भी इस दुनिया में पैदा होती है, बनती है, वो पूरी प्रोसेस ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, उसी के अंतर्गत आ जाती है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. मैंने क्या बोला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर टू टाइप. फर्स्ट इज नोन एज द मेल, सेकंड इज नोन एज द फीमेल. दो अपोजिट करेक्टर जब सेक्स करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं. ठीक है, तो उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स में रखा गया है. असेक्सुअल इंटरकोर्स में किसको रखा गया है, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिक पर्सन. ठीक है, एक ही यूनिक पर्सन जिसको अपोजिट करेक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो असेक्सुअल इंटरकोर्स में आ गया. ठीक है, तो उसका फंडा अलग है. पहले हम सेक्सुअल इंटरकोर्स को पकड़ते हैं. सेक्सुअल इंटरकोर्स को हमने पकड़ा, उसमें दो अपोजिट करेक्टर पकड़े गए. ठीक है, मेल फीमेल. मेल में एंथ्रीडिया बनेगा, एंथ्रीडिया से एंथ्रीडोसाइट प्रोवाइड करेगा. ठीक है, मैंने क्या बोला, मेल में एंथ्रीडिया बनेगा, एंथ्रीडिया में एंथ्रीडोसाइट प्रोड्यूस करेगा. फीमेल की बात करते हैं भैया, फीमेल में ओवरी होगी. मैंने क्या बोला, फीमेल में ओवरी होगी,
ओवरी एग प्रोड्यूस करेगी, दोनों एन है, अलग अलग एन है, सिंगल एन है, ठीक है, मेल का एन फीमेल का एन दोनों सिंगल एन एन है, ठीक है। तो जब मेल मेल क्या करेगा कि मेल एंथ्रीडिया बनाएगा, एंथ्रीडिया से एंथ्रीडियोसाइट प्रोड्यूस करेगा, फीमेल क्या करेगी, फीमेल ओवरी बनाएगी, ओवरी होगा फीमेल में, ओवरी में एग प्रोड्यूस करेगी। तो इधर देखना आप, मेल का एंथ्रीडियोसाइट मतलब क्या बोला, मेल का एंथ्रीडियोसाइट, फीमेल का एग, दोनों सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, ठीक है। तो जो सिंगल एन एन थे वो डबल एन हो गए, ठीक है। तो जब मेल का एंथ्रीडियोसाइट, फीमेल का एग, दोनों फर्टिलाइजेशन होता है जब दोनों का, तो जायगोट बन गई, क्या बन गया, जायगोट बन गई। जब जायगोट बन गई तो ये क्या हो गया, डबल एन हो गया, यानी कि डबल एन इन स्टैंडर्ड प्रोसेस हो गई, ठीक है। जब डबल एन हो गया तो माइटोसिस होगी, जब माइटोसिस होगी तो एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो का मतलब होता है भ्रूण, मतलब कि बेबी बॉर्न, बेबी फॉर्मेशन, ठीक है, बेबी फॉर्मेशन। वो प्लांट के केस में, वो ह्यूमन के केस में वो अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन कॉमनली अगर हम बात करते हैं, कॉमनली बात करते हैं, तो जब जायगोट बनता है तो जायगोट के बाद मायोसिस होती है, माइटोसिस होने के बाद ही एम्ब्रायो बनता है, ख़त्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म, पकड़े हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में कुछ भी नहीं है, असेक्सुअल का मतलब क्या होता है, असेक्सुअल का मतलब होता है कि जिसने सिर्फ एक सिंगल करेक्टर ही सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है उसको कहते हैं भैया असेक्सुअल, असेक्सुअल, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन दो तरीके के हो गए, सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गए। तो असेक्सुअल में यानी सिंगल करेक्टर ही इसमें सेक्स करता है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, ख़त्म। अगर हम बात करते हैं मेल के या फीमेल के, हालांकि मेल की बात कर लेते हैं, फीमेल को छोड़ते हैं, मेल में क्या होता है कि मेल के अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, मैंने क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करते हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मैंने क्या मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है, तो वो होता है इस क्या कहते हैं, टेस्टिस, ठीक है। तो मेल का सेक्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस हो गया। टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन, मैंने क्या बोला, टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन नामक का एक हार्मोन होता है, ठीक है, जो ह्यूमन सेक्स हार्मोन, सॉरी नॉट ह्यूमन, ह्यूमन में मेल फीमेल दोनों आ गए, ठीक है। ह्यूमन की अगर हम ह्यूमन शब्द की बात करते हैं, ह्यूमन वर्ल्ड की बात करते हैं, तो मेल फीमेल दोनों आ गई, नॉट ह्यूमन ओनली मेल, ठीक है। तो मेल सेक्स हार्मोन, मेल का प्राइमरी ऑर्गन, मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस हो गई। टेस्टिस में कौन हो गया, टेस्टिस में क्या पाई जाती है, टेस्टोस्टेरोन नामक सेक्स हार्मोन, ठीक है। तो मेल का सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हो गया, ठीक है। ये बहुत ही वाहियात और घटिया हार्मोन होता है, अगर ये ज़्यादा सीक्रेट हो गया तो आदमी जानवर बन जाता है, ठीक है, फिर बड़े बड़े क्राइम करता है, फिर उसको पता नहीं क्या हो जाता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब, बड़े बड़े क्राइम करता है, उसको जेल होती है, उसके साथ बहुत बुरा होता है, ठीक है। यानी कि एक इंसान को जानवर बना देता है, ये इतना खतरनाक वाहियात हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन हो गया, ठीक है। तो ये ख़त्म। अब इसमें क्या होता है कि इसका मतलब इफेक्ट क्या पड़ता है, टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट बॉडी में क्या पड़ता है, बॉडी में जानते हो क्या पड़ता है, जब बच्चा 12 साल का हो जाता है, यानी कि 20 to 40 स्टार्टेड एज, ठीक है, 20 या 14 एज जब हो जाती है किसी बेबी की, बच्चे की, उसमें ये इफेक्ट देना शुरू कर देता है। इफेक्ट क्या देता है कि दाढ़ी मूंछ का निकलना, दिस इज द दाढ़ी मूंछ, एंड सेक्स ऑर्गन का डेवलप होना, ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसमें इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं टेस्टिस की, ठीक है। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया, टेस्टिस जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया, ठीक है। तो टेस्टिस के अंदर अगर हम टेस्टिस को काट कर देखते हैं तो उसके अंदर हमको दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। मैंने क्या बोला, टेस्टिस के अंदर दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। फर्स्ट इज नोन एज द सेमी फेरस ट्यूबलेस, ठीक है, सेमी फेरस ट्यूबलेस, क्वाइड लाइक स्ट्रक्चर होती है सेमी फेरस ट्यूबलेस। ये फर्स्ट स्टेज है, ये पहला एक ऐसा घर है जहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन होता है, मतलब कि इंसान के अंदर, मनुष्य मेल के अंदर स्पर्म नाम की जो चीज़ इस दुनिया में पैदा होती है वो सेमी फेरस ट्यूबलेस में होती है, ठीक है, सेमी फेरस ट्यूब्यूल में, सेमी फेरस ट्यूब्यूल। तो सेमी फेरस ट्यूब्यूल में हो गई। अब भैया वहाँ से क्या हुआ कि इपीडाइडिमिस में जाता है, यानी कि यहाँ पर सेमी फेरस ट्यूब्यूल में क्या हुआ कि स्पर्म बन गया, इस दुनिया में स्पर्म बनकर आ गया। कहाँ पर आ गया, मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के अंदर सेमी फेरस ट्यूब्यूल में इस दुनिया में
स्पर्म आ चुका है। अब ये जो स्पर्म आ तो गया बट ये अनमेच्योर है, यानी कि जब जो बेबी हो जाता है, बेबी बच्चा बेबी बॉर्न होता है, बच्चे होते छोटे छोटे, तो अभी अनमेच्योर है, अभी परिपक्व नहीं है, अभी छोटे ना समझे, बिल्कुल छोटी सोच है। उसी तरह स्पर्म जो टेबीफेरस टेब्यूल में जो आता है वो अनमेच्योर कंडीशन में होता है, ठीक है, वो अभी उतना क्षमता नहीं कि बच्चे बना सके, बच्चे पैदा कर सके, उसकी कीमत नहीं है। वो जब जाता है, मूव करता है एपिडर्मिस में, ठीक है, मैंने बोला था ना कि दो क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, तो पहला क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द सेमीफेरस टेब्यूल, सेकेंड इज नोन एज द एपिडर्मिस। तो जब पहले में स्पर्म फॉर्मेशन हुआ, स्पर्म आया इस दुनिया में अनमेच्योर कंडीशन में, ये जब मूव करता है समय के अनुसार, टाइमिंग के अनुसार जब मूव करता है तो एपिडर्मिस में आ जाता है। एपिडर्मिस में आने के बाद थोड़ा स्पर्म बड़ा हो गया, उसकी दोस्ती होना शुरू हो गई। अब उसकी दोस्ती दो दोस्तों से हो गई, पहला उसको दोस्त मिला फ्रक्टोज, ठीक है, तो एपिडर्मिस में फ्रक्टोज नाम का एक दोस्त उसको सबसे पहले मिल गया। फ्रक्टोज उसको क्या किया कि उसको दे दिया एनर्जी, दे दिया पावर, दे दिया, बोला कि ले पावर, ले एनर्जी, तू इस दुनिया में राज कर, मैं हूँ तेरे साथ, जो तुमको तुमसे पंगा लेगा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमको एनर्जी देता रहूँगा, ठीक है। तो इस तरह वो उसको सपोर्ट किया, किसको सपोर्ट किया, स्पर्म को, फ्रक्टोज ने स्पर्म को सपोर्ट कर दिया, ठीक है। स्पर्म को जब फ्रक्टोज ने सपोर्ट कर दिया, अब वो बोला कि यार इसने मेरे को तो सपोर्ट कर दिया, अब स्पर्म सोचता है कि मैं थोड़ा और रनिंग करूं, मैं भागूं दौड़ूं, मेरे को भागना कौन सिखाएगा, दौड़ना कौन सिखाएगा, अब स्पर्म सोच रहा है। तो स्पर्म को आगे चल के दोस्त और मिलता है जिसको सिट्रिक एसिड कहते हैं, ठीक है, थीके? तो सिट्रिक एसिड नाम का एक फ्रेंड है जो उसको मिलता है, किसको मिलता है, स्पर्म को, ठीक है, स्पर्म को। तो स्पर्म को सिट्रिक एसिड दे देता है, सिखा देता है उसको दौड़ना भागना, ठीक है। तो स्पर्म का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, तो मोशन जो होता है, ठीक है, स्पर्म का मोशन मूवमेंट ये सिट्रिक एसिड देता है, प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो जब जब स्पर्म में सिट्रिक एसिड और फ्रक्टोज दोनों मिल जाते हैं तब बन जाता है सीमन, मतलब बिल्कुल मेच्योर कंडीशन पहुंच गया। अब तो भैया वो पक्का हो गया है, मेच्योर हो चुका है, अब तो सबसे फाइट कर सकता है, बड़े से बड़े अंडे को मार सकता है, उसके उस अंडे को भेद कर सकता है, भेद करने के बाद उससे बच्चा बना सकता है, ठीक है, बेबी बना सकता है, बच्चा पैदा कर सकता है, ठीक है। तो अब वो भी जवान हो चुका है, बड़ा हो चुका है, अब वो पहुंच गया बड़ी लंबी कंडीशन में। तो देखो एपिडर्मिस में पहुंचने के पहले सेमीफेरस टेब्यूल में था, वहाँ पर अनमेच्योर कंडीशन में था, वहाँ पर वो स्पर्म बना, स्पर्म नाम की दुनिया में इस चीज़ आई, मतलब स्पर्म नाम की चीज़ दुनिया में सेमीफेरस टेब्यूल में आई। अब वो सीमन कब बन गया, तो जब वो एपिडर्मिस में पहुंचा, एपिडर्मिस में पहुंचने के बाद अपने दोस्तों से मिला, फ्रक्टोज, सिट्रिक एसिड, स्पर्म, जब तीनों आपस में कंबाइन करते तो मेच्योर कंडीशन पा जाता है। मेच्योर कंडीशन पाने के बाद वो पावरफुल हो जाता है, फिर इसके बाद वो सीधे सीमन बदल जाता है, सीमन में चेंज ऑफ सीमन, ठीक है, तो सीमन में चेंज हो जाता है कौन, स्पर्म। तो अब वो स्पर्म स्पर्म नहीं रहा, अब उसको हम सीमन कहेंगे, सीमन का मतलब होता है वीर हिंदी में, ठीक है, तो वीर बन जाता है। अब क्या होता है कि अब उसका वो सीधे फिर क्या करता है कि जो यूरेथ्रल नली होती है, ठीक है, यूरेथ्रल नली, ठीक है, तो मास्टर्बेशन के दौरान, मैंने कहा मास्टर्बेशन के दौरान उसको स्वेच्छानुसार उसको बाहर निकाला जा सकता है, या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान किसी फीमेल पार्टनर के गर्भाशय में, किसी फीमेल पार्टनर के यूट्रस में सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जब ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान किसी फीमेल के गर्भाशय में या यूट्रस में, जब यूट्रस में चले जाते हैं तो यूट्रस के अंदर ओवरी तक, मेरे कहने का मतलब क्या है कि यूट्रस से सर्विक्स से ओवरी तक जाने में स्पर्म को 7 दिन का समय लगता है, 1 हफ्ते का समय स्पर्म को सर्विक्स से ओवरी तक जाने में लग जाता है, ठीक है। तो वहाँ से वहाँ तक, यानी कि सर्विक्स से ओवरी तक जाने में 1 हफ्ते का समय लगता है, तो वो जो मूवमेंट होता है, तो वो मूवमेंट किसकी वजह से होता है, वो सिर्फ और सिर्फ सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। सिट्रिक एसिड, एक हमें बात बता दें कि पहले जब रेप होते थे इस दुनिया में, ठीक है, तो जब पहले रेप होते थे तो टू फिंगर टेस्ट, पहले रेप टेस्ट एक टेस्ट होता है, जिस फीमेल के साथ रेप हुआ है तो डॉक्टर लोग उसकी पूरी बॉडी को उस फीमेल पार्टनर को लेके लिटा देते थे बेड में, उसके कपड़े नाभिक तक फेंक दिए जाते, हटा दिए जाते थे, उसकी बेजाने में 2 उंगली डालते थे, अगर दोनों उंगली प्रॉपर चली गई तो उसके साथ रेप हुआ है, अदरवाइज रेप नहीं हुआ, ऐसा टेस्ट रेप नियम चलाते थे, ठीक है, कुछ टाइम। बट अभी ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता था कि डॉक्टर जो टेस्ट लेने जाता था तो उंगली डालता था उसकी सर्विक्स में, तो उसका जो माइंड लेवल था, तो उसका माइंड लेवल चेंज हो जाता था, ठीक है, फिर वो खुद ही रेप कर देता था उसका।
तो ये पूरी गंदी प्रोसेस थी अपने इस समाज में, तो इस समाज ने इस प्रोसेस को मार दिया, ला हटा दिया। इसके जगह एक फ्रक्टोज टेस्ट नाम का रेप टेस्ट यूज किया, यानी कि अब जिसके साथ रेप होता है तो उसकी वजाइना में एक मशीन डाल देते हैं, उससे फ्रक्टोज चेक करते हैं कि इसके अंदर फ्रक्टोज तो नहीं पाया गया। अगर फ्रक्टोज उसके वजाइना में पाया गया मतलब इसके साथ रेप हुआ है। फ्रक्टोज का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन के स्पर्म में फ्रक्टोज सिट्रिक एसिड कहाँ मिला, एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस में फ्रक्टोज स्पर्म में आके मिल जाता है। अब अगर स्पर्म किसी के भी वजाइना में जाता है, वजाइनल पार्ट में चला गया, तो स्पर्म के साथ फ्रक्टोज भी चला गया, ठीक है। फ्रक्टोज जब चला गया तो दोनों ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, तब पता चल जाता है कि रेप हुआ कि नहीं हुआ। अगर फ्रक्टोज है तो रेप हुआ, इसका मतलब फ्रक्टोज के साथ स्पर्म आया था, यानी स्पर्म के साथ फ्रक्टोज आया था, ठीक है इस बात। तो ये सब मैटर हैं। खैर अपना ये मैटर, अपना टॉपिक ये नहीं है, अपना टॉपिक था रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको मैंने बता दिया है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हम उस मच्योर कंडीशन वाले स्पर्म, सॉरी सीमन को, स्पर्म तो वाला खत्म हो चुका था, अब सीमन बन गया है, सीमन को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। कई स्टूडेंट स्पर्म और सीमन में बहुत कन्फ्यूज होते हैं, बहुत 90% कन्फ्यूज होते हैं। कोई कई लोग सोचते हैं कि स्पर्म को ही सीमन कहते हैं या सीमन को ही स्पर्म कहते हैं, दोनों सीमन और स्पर्म को एक ही मान लेते हैं, बट नॉट। जब सेमीफेरस टिब्यूल में होता है वो, तब स्पर्म माना जाता है, लेकिन जब वो मूव करके एपिडर्मिस में आ जाता है तो स्पर्म नहीं रह जाता, वो सीधे सीमन में चेंज हो जाता है, ठीक है, चेंज ऑफ सीमन, ठीक है, तो सीमन में बदल जाता है। तो सीमन के बाद ये पूरी प्रोसेस होती है। तो हालांकि अगर आपके पास टाइम हो तो मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस कर ही चुका हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी डिस्कस कर दूँ इसी वीडियो में। तो चलो फटाक से ख़त्म कर लेते हैं इस टॉपिक को भी, क्यों छोड़ दें, मतलब मेरे कहने का है कि पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस बुक वीडियो के अंदर मैं आपको लेके दे दूंगा, ताकि मुझे अलग से वीडियो फीमेल का ना बनाना पड़े, ठीक है। तो मेल फीमेल का भी मैं इसी वीडियो में आपको दे देता हूँ। फीमेल की बात कर लेते हैं फटाफट। फीमेल में क्या होता है, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी होती है। मैंने क्या बोला, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी होगी। ओवरी में एग जो होते हैं तो एग प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। फीमेल का सेक्स ऑर्गन क्या है, मेल का सेक्स ऑर्गन टेस्टोस्टेरोन है, जो टेस्टीज में सीक्रेट होता है। फीमेल का सेक्स ऑर्गन ओवरी है, और इसका सेक्स ऑर्गन ओवरी है, और सेक्स हार्मोन जो है तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो ये हार्मोन, सेक्स हार्मोन है फीमेल के, जो उसके ओवरी में पाए जाते हैं, उसके बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। अब यही उसकी फीलिंग को बढ़ाते हैं, उसके बेब को बढ़ाते हैं, उसको सेक्सुअलाइज करते हैं, ठीक है। मतलब फीमेल को जो सेक्सुअलाइज होता है, उसको सेक्सुअली फ्रस्ट्रेशन जो होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है, ठीक है। सेक्सुअल के लिए एक्साइटमेंट जो बॉडी होती है, यानी कि बॉडी को जो एक्साइटमेंट देता है, सेक्सुअली एक्साइटमेंट देता है, तो वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ही देते हैं फीमेल के केस में। मेल के केस में टेस्टोस्टेरोन ही सेक्सुअलाइज करवाता है, सेक्सुअलाइज फील करवाता है, ठीक है। मेल के केस में हम बात कर रहे हैं फीमेल के केस में मैंने क्या बताया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी हो गया। सेक्स हार्मोन की अगर बात करें तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो नामक हार्मोन होते हैं। जब गर्ल्स या लड़की 12 साल की हो जाती है, 20 या 14 एज की हो जाती है, तो उसमें उसके बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। वो चेंजेस क्या होते हैं कि मैंने बताया था ना, बॉय में क्या होता है, बॉय में होता है कि दाढ़ी मूछ का निकलना, आवाज़ का भारी होना, और कई बताया था, ठीक है। उसी तरह इसमें भी होता है फीमेल केस में क्या होता है कि उसके स्तनों का बढ़ना, ठीक है, स्तन का बढ़ना और आवाज़ भारी होना, सेक्सुअली फीलिंग आना, तो ये सारी चीज़ें उसमें होती है, ठीक है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स ये सब इन दोनों पार्टनरों के बीच में ही होता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं बता चुका हूँ कि हार्मोन क्या है और वो ऑर्गन क्या है, प्राइमरी ऑर्गन क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस आपके सामने कर चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, और इसमें कुछ है नहीं, मतलब कि फीमेल के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल है नहीं, है तो ऐसे बहुत कुछ पीएचडी करने के लिए बहुत कुछ है, बट उतना हमको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा पूरा फंडा क्या है कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर में आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स एक ऐसी प्रोसेस है, ये एक ऐसी प्रोसेस है दुनिया में जिसकी वजह से करैक्टर अपनी प्रजाति को, करैक्टर अपनी सेम सेम
टाइप की प्रजाति को आगे बढ़ाती है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। मतलब इस दुनिया में सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही बच्चे आ सकते हैं, अदरवाइज बच्चे इस दुनिया में बनने की कोई टेक्निक नहीं है, ठीक है। हालांकि वैज्ञानिकों ने IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नाम की एक मतलब इंस्टीट्यूट, संस्था, एकेडमी, कुछ भी बोल दो, वो चला रही है, जिसके थ्रू आप अपना स्पर्म मास्टरबेशन करने के दौरान अपना स्पर्म निकाल कर आप डोनेट कर सकते हैं, बेच सकते हैं। जैसे आप ब्लड डोनेट करते हैं वैसे स्पर्म डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। और टेस्ट बेबी केस में क्या होता है कि इन केसेस में जो फीमेल होती हैं, फीमेल अपने जिन फीमेल के बच्चे नहीं होते हैं वो अपना IVF करवाती हैं, वहाँ से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाती हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के दौरान उनके बच्चे होना शुरू हो जाते हैं। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और उस पर्सन के पास पहुँचाए इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जिसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सो आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होगी। सो गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।